नमस्कार मित्रों, जय रंगमंच की ओर से अमरजीत अरोड़ा का कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री रमेश खन्ना जी, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, सीख रहा हूँ, उनके डायरेक्शन में काम किया है और करता रहूंगा, ये एक ऐसा मंच उन्होंने दिया है कि हर एक आर्टिस्ट को मोटिवेट करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं उसका, चाहे छोटा बड़ा, सबको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। और उनका स्वभाव एक मित्र की तरह है, मेरे से छोटे हैं लेकिन मेरा मान सम्मान बहुत करते हैं, इज्जत बहुत करते हैं। वो शख्सियत ही ऐसी हैं, ये सब जानते ही हैं जितने भी इस मंच से सभी जुड़े हुए मेरे साथी कलाकार हैं, उनके बारे में सब जानते हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। और उन्होंने ये एक ऐसा मंच बनाया है जिसमें हम सब आर्टिस्टों के लिए एक बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, हम अपने ख्यालात व्यक्त कर सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं, खुल के एक्ट कर सकते हैं, ये वो मंच है। और आप जितना भी करोगे उससे और प्रोत्साहन देते हैं, कहते हैं और अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हो, इससे अच्छा कर सकते हो, ऐसा उनका स्वभाव है। तो एक संवाद उन्हीं की डायरेक्शन में मैंने सीखा था तो आपके सामने प्रस्तुत है, तो लीजिए साथियों। देवी कैकेयी, आप ये उचित नहीं कर रही, ऐसा करके आपको क्या यश मिलेगा? क्यों महाराज दशरथ को अपने इन कर्मों से पीड़ा पहुंचा रही हो? महाराज तुम्हारे पति हैं, उनका अपमान मत करो। अरे नारियां तो अपने पति की इच्छा को महत्व सैकड़ों पुत्रों से अधिक देती हैं। वैसे भी राज्य का उत्तराधिकारी तो ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। क्या इस राजवंश की परंपरा को इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के जीते जी मिटा देना चाहती हो? यदि तुम ऐसा मर्यादाहीन कार्य करोगे तो निश्चय ही प्रजावासी तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, बंधु बांधव यहां तक कि सदाचारी ब्राह्मण तुम्हारा त्याग कर देंगे। इस राज्य को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इतने अत्याचार करने के बाद भी ये पृथ्वी फट क्यों नहीं गई, फट क्यों नहीं गई। वरदान के बहाने राम को वनवास देकर महारानी के कई के चित्त को तो अवश्य प्रसन्नता होगी, लेकिन महाराज दशरथ के लिए सुखद का आनंद नहीं होगा, नहीं होगा। विद्वानों ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि माता की छाया अवश्य पुत्री पर पड़ती है, और हम ये कैसे भूल सकते हैं कि तुम्हारी माता के हट के कारण तुम्हारे पिता ने उन्हें महलों के बाहर का रास्ता दिखला दिया। जैसे तुम्हारी माता का स्वभाव वैसा ही तुम्हारा। बड़ों की कहावत बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि नीम से कभी शहद नहीं टपकता, शहद नहीं टपकता। पाप पर दृष्टि रखकर मोहवश महाराज से अनुचित अनग्रह कर रही हो, यह सत्य है। पुत्र पिता के समान होते हैं और पित्री माता के समान। इन लोकोक्ति को झुठला दो, बदल डालो ये सब,
रानी उदार बनो, उदार बनो। यदि रावण को चले गए तो तुम्हारी बड़ी निंदा होगी, बहुत निंदा होगी। इस बात को तुम समझ जाओ, समझ जाओ। जय रंगमंच।